तो लो जी, मैं फिर आ गई आज एकदम पुणे वाली चाय लेकर के। आप एक बार पियोगे इस तरह से चाय बना करके तो बार बार मन करेगा चाय पीने का। तो मैं, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बर्तन में पानी डाल करके चाय का रखी हूँ, और इधर मैं जो कुल्हड़ छोटा सा रखी हूँ उसको मैं गर्म करने के लिए इधर रख रही हूँ। ये कुल्हड़ मैं अच्छे से चाय बनाने के लिए ही रखी हूँ, तो इसको मैं इस पे गैस पे चढ़ा देती हूँ। जब तक इधर मेरा चाय तैयार होगा तब तक वो गर्म होते रहेगा। तो आप देख लीजिए कुल्हड़ से धुआं निकलने लगा, और मैं इधर चाय पत्ती डाल रही हूँ। 4 से 5 कप मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो इसमें 2 चम्मच मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। और 2 कप पानी डाली हूँ। और ये 2 इलायची है, इसको मैं कूट लेती हूँ इधर साइड में, और कूट करके इसको डाल देती हूँ चाय में। मैं ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डाल रही हूँ चाय में, सिर्फ मुझे तंदूरी चाय का टेस्ट चाहिए। तो आगे देखते जाइए, मैं इसमें प्रॉपर तरीके से चाय बना लूँगी बर्तन में, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखिएगा आप लोग किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैं दूध निकाल रही हूँ। अब मेरा इसमें ये चाय पत्ती पूरा एकदम उबल गया, अब इसमें दूध डाल रही हूँ। 2 से 2.5 कप दूध मैं इसमें डाली हूँ। मेरा इधर कुल्हड़ एकदम गर्म हो रहा है अच्छे से, मैं इसको कम कर दी। अब इसमें चीनी जाएगा। और कोई है? तीन से चार चम्मच मैं चीनी इसमें डाली हूँ। इसको मैं लो फ्लेम कर दी हूँ। अब ये उबल रहा है अच्छे से। इसमें पूरा तरह से चाय बन के तैयार हो जाता, उसके बाद आगे इसमें मैं करूँगी। इसको मैं उतार करके दूसरे साइड में रख लेती हूँ। अब इस पे मैं गैस पे दूसरा बर्तन चढ़ाई हूँ। ये कुल्हड़ मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है मिट्टी का। अब इसको मैं इसमें बर्तन में डाल रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि क्या करेगी, बर्तन पहले चढ़ाई उसके बाद इसमें कुल्हड़ ये डाली, लेकिन देखते जाइए। अब जो मेरा ये चाय बना हुआ था मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए मेरा ये तंदूरी चाय कैसे उबल रहा है। इसमें मैं सारा चाय डाल दूँगी जो बना हुआ है मेरा। मैं ये चाय पी थी तो 100 रुपये में 1 कप चाय मिला था मुझे। बहुत टेस्टी चाय है, बहुत टेस्टी बनता है, एकदम अलग टेस्ट आ जाता है। तो इसमें मैं सारा चाय जो बना करके तैयार की थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको 5 मिनट तक इसको बॉयल करूँगी इसमें लो फ्लेम पे। तो देखिए ये अंदर से भी उबल रहा है, ये अच्छे से पकेगा चाय इस पे। ये मिट्टी का जो बर्तन का है पूरा एकदम सोना सोना आता है टेस्ट। और हम लोग जो जनरल चाय पीते हैं उससे कहीं एकदम अलग हो जाता है, अलग हटके होता है। थोड़ा सा मेहनत पड़ता है। अब ये चाय तो मेरा इस बर्तन में भी गिर गया है, तो मैं ये कुल्हड़ को निकाल लेती हूँ धीरे से, और वो बर्तन वाला चाय जो है मैं उस कुल्हड़ में ही डाल दूँगी। उसमें स्पेस है तो उसमें डाल दूँगी, और कुल्हड़ को फिर से इधर गैस पे हल्का लो फ्लेम करके चढ़ा दी हूँ। देखिए मेरा चाय तैयार हो गया। अब इसको मैं, आप देख रही हैं कितना अच्छा लग रहा है, और पीने में आप समझ जाइए कैसा लगेगा। तो मैं अब इसको मैं छान रही हूँ चाय को, और एक बार ज़रूर आप इस तरह से चाय बनाइएगा, और बना करके पी करके कमेंट में बोलिएगा कैसा लगा।
और रंजीता पाठक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये बहुत मिट्टी का कुल्लड़ जो है बहुत गर्म होता है, मैं चुट्टा से इसको अच्छे से पकड़ ली हूँ। थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक इसको पकड़ के छानिएगा। मैं बहुत दिन से इसमें बना रही हूँ तो मेरा आदत बन गया, आप लोग को प्रॉब्लम होगा थोड़ा। तो देखिए मेरा चाय का कलर, और आप पी करके बताइएगा बना करके कि कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी। मैं तो अक्सर सुबह शाम इसी में बनाती हूँ, इस प्रोसेस से हर समय नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुल्हड़ में ही बनाती हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है इसके लिए। तो फिर मेरा चाय यहाँ पे रेडी हो गया, देखिए मेरा कुल्हड़ चाय। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये चाय। फिर मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।